मान जा दिल की गल ठहर जा। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो रीडिंग लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है, तो कुछ इस प्रकार की स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी फोटोज लगाकर कुछ इस प्रकार की लिरिक्स वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। साथ में इस वीडियो के एडिटिंग के लिए मैंने कुछ मटेरियल का यूज किया है, जैसे कि आपको फॉन्ट मिल जाएगा, सॉन्ग मिल जाएगा। और अगर आप वीडियो नहीं बना पाओगे तो फुल प्रोजेक्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस की आइकन पर क्लिक कर लीजिए। 9x16 की साइज को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पर हमें क्लिक कर लेना है। अभी म्यूजिक को पहले ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए प्लस पर टैप करो, मीडिया में आ जाते हैं और सिंपली गाइस यहाँ पर अपनी गैलरी में आ जाना है। गैलरी से गाइस यहाँ से पहले एक वीडियो को मैं क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि इसी वीडियो में सॉन्ग लगा हुआ है। तो वीडियो को टैप करके 3 डॉट पे आके एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करके हम सॉन्ग को ले लेंगे, बाकी वीडियो को टैप करके डिलीट कर लेना है। देखो गाइस, अब अपनी फ़ोटोज़ को ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि फ़ोटोज़ को भाई डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना है और एक आपको प्रिंटरेस्ट नाम की ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब आपको सर्च बार में आ जाना है और आपने लिख लेना एस्थेटिक कपल फोटो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कपल पिक्स ऐसे करके लिखोगे, बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। देख सकते हो, मैं अपने हर एक वीडियो में बताता ही रहता हूँ। यहाँ से कोई भी इमेजेस को आप क्लिक कर लेना, 3 डॉट पे आके डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले एक फ़ोटो को पहले ऐड करेंगे। उसके लिए प्लस में आएंगे, मीडिया में आ जाता हूँ और यहाँ पर अपनी गैलरी में आ जाता हूँ और गैलरी से यहाँ से इस फोटो को मैं ऐड कर लूँगा। मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करके फ़ोटो को फुल स्क्रीन करके सेंटर में फिक्स कर लूँगा और इसकी ड्यूरेशन को पहले तो मैं लास्ट तक कर लेता हूँ, ठीक है। अब अपनी फ़ोटो को टैप करेंगे, इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आएंगे और यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है गजन ब्लर। तो गाइस यहाँ पर देखो, ये वाला ऑप्शन मिलेगा गजन ब्लर का, ये वाला इसको सिलेक्ट कर लेना और स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन करके इसको गाइस यहाँ पर इंक्रीज करके 245 के अप्रोक्स या 240 कर लेना, 0.240। उसके बाद में इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आएंगे। अब इस बार हमने सर्च कर लेना है चैनल रीमैप RGB, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना और यहाँ पर गाइस इसको ने आपने देख सकते हो, इसको आपने जी कर देना, इसको आपने यहाँ पर बी कर देना और इसको आर कर देना, ठीक है। तो देखो, इतना ऐसे करके रखना है गाइस। ओके, अब इतना हो चुका है। उसके बाद में फिर प्लस पे टैप करो और एक शेप को ऐड कर लीजिए। एडिट शेप में आकर कुछ इस तरीके से शेप को गाइस आपको यहाँ पर इनक्रीज़ कर लेना है ऐसे करके और रेडियस पे आके इसको इनक्रीज़ कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। तो इतना कर लेना, रेडियस थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे और इसकी ड्यूरेशन को भी लास्ट तक कर लेना। फिर यहाँ पर अपने प्लस पे टैप करके मीडिया में आना और उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करके इसकी ड्यूरेशन को फिर से लास्ट तक कर लेना है। अब अपनी फ़ोटो को टैप कर लो, शेप के नीचे ले जाकर छोड़ दो। अब इस शेप को सिलेक्ट कर लो, नीचे जो फ़ोटो हमने सिलेक्ट ऐड किया उसे सिलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन को टैप कर लो। तो देखो, यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से मास्क बन जाएगा, यानी ग्रुप बन जाएगा। अब इसी को टैप कीजिए, एडिट ग्रुप में आके अपनी फ़ोटोज़ को गाइस यहाँ पर छोटा बड़ा करके जितना भी फिक्स करना चाहते हो यहाँ पर करके रख लो, ठीक है। तो इतना तक कर लेना। अब इतना करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको टैप करके बॉर्डर एंड शैडो में आकर थर्ड ऑप्शन को क्लिक करके इनेबल कर लो और इसको गाइस यहाँ पर इसको इंक्रीज कर लो, ठीक है, ऐसे करके। तो इतना कर लेना। उसके बाद में इफेक्ट में आके इफेक्ट पे आओ और यहाँ पर इस बार सर्च कर लो ऑसिलेट, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लो और एंगल को यहाँ पर 90 डिग्री कर लो। आप यहाँ पे एंगल को इसको 90 डिग्री कर लो पहले, तो इसको हम 90 डिग्री कर लेते हैं गाइस, तो 90 कर लेंगे और फ्रिक्वेंसी को क्लिक करके 0.20 कर लेना, इसको 0.20 कर लेते हैं गाइस इसको। और मैग्नीट्यूड को भी मैं क्लिक करके यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए
20 कर लेता हूँ, देखता हूँ कि गाइज ये कितना हो रहा है। तो ठीक है गाइज, इतना कर लेना आपने, ठीक है, बाकी डन करके बैक हो जाना। और फिर इफेक्ट में के इफेक्ट पाएंगे, इस बार हमने सर्च कर लेना सूविंग, तो देखो ये वाला इफेक्ट मिलेगा। इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को कम कर लेंगे, इसको 0.20 कर लेना, इसको भी यहाँ पर ठीक है देख सकते हो, यहाँ पर 0.20 कर लो और एंगल वन को -2.5 कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर -2.5 कर लेते हैं, तो यहाँ पर इतना कर लेना, तो 2.5 हो गया। एंगल में फिर से क्लिक कर लेना है, अब इसको +2.5 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको +2.5 कर लेते हैं, ठीक है गाइस, तो इतना कर लेना है। तो फाइनली गाइस कुछ इस तरीके से ये प्ले होने लग जाएगा। अभी गाइस अपनी सॉन्ग की लिरिक्स को आपको क्रिएट करना होगा, तो जो भी सॉन्ग की आप लिरिक्स लिखना चाहते हो तो पहले गूगल में जाकर आपको सर्च कर लेना उस सॉन्ग को, तो बहुत सारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो लिरिक्स को टैप करके यहाँ से मैं कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइज, आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉन्ग को क्रिएट करना होगा, तो हम इसी ग्रुप में ही क्रिएट करेंगे, तो इसलिए हमें म्यूजिक सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पर इस म्यूजिक को पहले तो टैप कर लो एक, और यहाँ पर प्लस में आकर कॉपी लेयर कर लो और यहाँ पर भी म्यूजिक रहने दो। अब यहाँ पर ग्रुप एंड मास्क पर टैप करके एडिट ग्रुप में आओ और तो प्लस पर क्लिक करके पेस्ट लेयर कर दो, तो ये म्यूजिक फिलहाल के लिए ऐड हो जाएगा। इसको टैप करके नीचे रख लो, जब तक हम अपनी लिरिक्स को लिखेंगे तब तक यही म्यूजिक रखेंगे, फिर बाद में हम डिलीट कर लेंगे क्योंकि पहले से म्यूजिक हमने ऐड कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, प्लस में आके एक शेप को ऐड करो, 3 डॉट पे आके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके फुल स्क्रीन करके ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लो, कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके ब्लैक कलर ऐड कर लो। अब इस शेप को टैप करके अपनी फोटो के ऊपर रख लो, अब इसको टैप करके कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके इस बीच वाले ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और इसको ऐसे करके रखना है गाइस, इसको देख सकते हो ऐसे करना, ऐसे करके, और यहाँ पर जो वाइट कलर इसको ब्लैक कर लो, जहाँ पर ब्लैक कलर इसको वाइट कर लो, और ऐसे करके रखना है। थोड़ा सा और इधर करते हैं, और इधर करते हैं गाइस, ठीक है। और ये वाइट कलर को टैप करके इस कलर में टैप करके इसको नीचे की तरफ खींच लो, ताकि गाइस हमें जो हमारी फ़ोटो है ना थोड़ा कुछ इस तरीके से ब्लैक मतलब कि शेडोज देना है, ठीक है। तो ये हो चुका है, अभी अपने टेक्स्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर पहले सॉन्ग को प्ले कर लेना, जैसे सॉन्ग को प्ले कर लोगे तो गाइज यहाँ पर आपको प्लस में आकर टेक्स्ट पे आ जाना और यहाँ पर जो भी लिरिक्स है पहले लिरिक्स को यहाँ पर लिख लो, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, बाकी के वर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कलर वाले में आ जाता हूँ, यहाँ पर वाइट कलर को फ़िलहाल के लिए मैं ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको रोबोटो रेगुलर पे क्लिक कर लेना है, सिंह राठी नाम की आपको फॉन्ट मिल जाएगा, तो उसको आपने यहाँ पे पहले तो ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। स्टार्टिंग की वर्ड हमेशा आपने कैपिटल में डालना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैं डाल रहा हूँ, ऐसे आपने कैपिटल में डाल के यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ, इतना ही चाहिए मुझे, डन कर लेंगे। मूवमेंट ट्रांसफर में क्लिक करके इसको यहाँ पर फिलहाल के लिए रख लेना है, ठीक है। अब देखो सॉन्ग को प्ले करना, जितना सॉन्ग की ड्यूरेशन रहेगा इतना करके यहाँ पर बीट मार्क लगा के इसकी ड्यूरेशन को यहाँ तक कर लेना। अब इसमें इफेक्ट को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर टैप कर लेना, इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आना और यहाँ पर सबसे पहले सर्च कर लेना गजन ब्लर, जो अभी हमने इफेक्ट ऐड किया था, टैप करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना, स्ट्रेंथ को पूरा जीरो कर लेना, एक प्लस यहाँ लगा लो, एक प्लस थोड़ी सी आगे लगा लो, स्टार्टिंग में जाके इसको इंक्रीज कर लो, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से आगे जाके जीरो हो जाएगा। फिर इफेक्ट में आके इफेक्ट पे आना, इस बार हमने सर्च कर लेना एक्सपोजर गामा, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लो, फिर से यहाँ पे एक प्लस स्टार्टिंग में लगा लो, एक एंड में लगा लो और फिर से स्टार्टिंग वाले में आपको यहाँ पर एक्सपोजर को इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से, और गामा को भी यहाँ पर इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। तो इतना ये हो जाएगा, देख सकते हो। उसके बाद में गाइस यहाँ पे इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आओ, इस बार आपने सर्च कर लेना है वेव वर्प, इसको क्लिक कर लेना आपने, यहाँ पे वेव वर्प आपने क्लिक कर लेना और स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना। अब यहाँ पर एक प्लस स्टार्टिंग में लगा लो, एक प्लस इसकी एंड में लगा लो और इसको ऐसे करके इंक्रीज करके 2 कर लो, आप यहाँ पर इसको 2 कर दो, ठीक है। और एंगल है तो इसको 0 रहने दो, स्पेसिंग को यहाँ पर आपने कम कर लेना है, तो यहाँ पर करीब मैं 1.1 कर लेता हूँ,
हूँ। और मैग्नो ट्यूब को भी गाइज यहाँ पर हम 1.1 कर लेते हैं, अगर बाद में कम करना पड़े तो कम कर सकते हो। तो इसको गाइज और कम कर लो, तो यहाँ पर 0.5 कर दिया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा और कम करना चाहते हो तो और कम कर लो। तो देखो कुछ इस तरीके से गाइज ये हो जाएगा, ठीक है, 0.2 कर लो, ठीक है। इतना करके डन कर लेना, फिर एड इफेक्ट पे क्लिक कर लेना। इस बार हमने सर्च कर लेना है टेक्स्ट स्पेसिंग, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना। थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग इंक्रीज करेंगे, फिर इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आना। इस बार सर्च कर लेना है फेड इन आउट, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना। इसको ऑन इन जो है इसको 0 कर लेना और आउट को यहाँ पर आपने 30 कर लेना है, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है गाइज, फिर प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे आ जाना है और यहाँ पर आपको जो भी इमोजीज क्रिएट करना है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना और कलर में आके इस ऑप्शन को टैप करके नीचे की तरफ खींच लोगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और रोबोट रेगुलर पे आके आपको iOS 13 नाम की फॉन्ट मिलेगी, इसको सिलेक्ट कर लेना। बॉर्डर एंड शेडो में आकर थर्ड ऑप्शन को इनेबल करके इसको इंक्रीज कर लो और यहाँ पर इसको एक को यहाँ रख लो। फिर प्लस में आके डुप्लीकेट लेयर कर लो और एक को लेयर को हम यहाँ पर अपनी लिरिक्स के नीचे रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रख लो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपने क्या करना है गाइस, इन दोनों को जो इमोजी वाला है इसको पूरी तो पहले लास्ट तक कर लेना है और बस अपनी टेक्स्ट को रखेंगे। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर नेक्स्ट जो लिरिक्स होगा उसको आपको ऐड करना है। तो प्लस इसको पहले इस लिरिक्स को टैप कर लो, प्लस में आके कॉपी कर लो, फिर प्लस में आके जहाँ से दूसरी लिरिक्स लिखना है पेस्ट लेयर कर लो। अब यहाँ पर इसको टैप करके एडिट ग्रुप पे यानी कि एडिट टेक्स्ट में आओ, जो दूसरा लिरिक्स लिखना चाहते हो यहाँ पर आप इसको पेस्ट लिख दो और बाकी की वर्ड को फिर से हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग की वर्ड हमेशा आपने यहाँ पे कैपिटल में डालना है, ठीक है। और यहाँ पे डन कर लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेना, अब जितना भी गाइस इसकी ड्यूरेशन रहेगा मान लो इतना है तो इसको क्लिक करके टाइमर पे आके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना। तो आगे भी इसी तरीके से प्लस पे टैप करके पेस्ट लेयर कर लेना, नेक्स्ट लिरिक्स को क्रिएट कर लेना। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा गाइस। उसके बाद प्लस में टैप करके एक शेप को ऐड करके 3 डॉट पे आकर फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लो, ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लो, कलर एंड फिल के ऑप्शन में ब्लैक कलर ऐड करो, इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आओ और यहां पर आपने सर्च करना है सिंपल स्टार फील्ड। स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन करके स्केल को इंक्रीज करो, साइज को पूरा कम करके यहां पर 4 या 5 रख लो और यहां पर 0Z पे क्लिक करके 1+ स्टार्टिंग में लगा लीजिए, 1+ यहां पर आपने लास्ट में लगा लेना और पोजीशन को ऐसे करके बढ़ा लो। बैक होकर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर लाइटिंग में आके यहाँ पे स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल कर लेना है बस, ठीक है। फाइनली गाइस वीडियो क्रिएट हो चुकी है, देख सकते हो। अब इस वीडियो को शेयर वाले ऑप्शन में टैप कर लीजिए और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लेना है।